हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रेहू मछली और इसे मैं बैगन के साथ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ये 1 किलो के करीब रेहू मछली लिया है और ये मैंने 250 ग्राम बैगन लिया है जिसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है और इसके ऊपर मैंने नमक और हल्दी को अच्छी तरह से लगा दिया है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। मछली पे भी मैंने नमक और हल्दी लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। मैंने ये फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है और उसमें तेल भी डाल दी है मैंने, सरसों की। आप चाहें जिस ऑयल में बनाएं, पर सरसों तेल में अच्छी होती है। अब तेल मेरी गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें पहले मछली को तल के निकाल लूंगी। ये मैंने मछली को फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से और ये मैंने बैगन को भी फ्राई करके निकाल लिया है। मैं इसके लिए मसाले बनाऊंगी। तो मैंने मसालों में एक पॉपी सीड्स लिया है जिसे पोस्तो बोलते हैं और थोड़ी सी ये काली सरसों, राई और ये पीली सरसों, मैं तीनों को एक साथ मिला के इसकी पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये नमक लिया है। ये टमाटर को मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में लिया है और ये तड़के के लिए मैंने कलौंजी, साबुत जीरा, मेथी और सरसों, पीली सरसों मैंने तड़के के लिए लिया है। ये हल्दी पाउडर है और ये मैं कुछ मसाले, प्याज को रफली चॉप किया है, अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची, ये धनिया की पत्ती, इसे थोड़ी धनिया की पत्ती डाल के मैं इसकी पेस्ट तैयार करूंगी। और एक प्याज को मैंने लंबे लंबे साइज में छोटे बारीक काटा है और ये लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। तो मैं सबसे पहले मसाले तैयार कर लेती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ इसकी। अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ी सी ज्यादा तेल मैं यूज नहीं कर रही हूँ मछली बनाने में। ये मैंने तड़के इसमें लगा दिए हैं, तड़के मेरे चटक गए हैं। मैं इसमें एक स्लाइस जो ओनियन की काटी है वो डाल दूंगी और इसे फ्राई कर लूंगी पहले। ये प्याज मेरी भुन गई है अच्छी तरह से, मैंने पेस्ट तैयार किया है वो डाल दूंगी इसमें इसके साथ ही मैंने जो टमाटर काट के रखा है उसे भी डाल दूंगी। इसे मैंने 2 मिनट के करीब भून लिया है। अब मैं इसमें ये मसाले की पाउडर डाल दूंगी, धनिया पाउडर और मिर्चा पाउडर ले लिया है और हल्दी पाउडर, ये तीनों डाल के मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे भून लूंगी। ये मसाले मैंने भून रहे हैं। मैंने जो कॉफी सीड्स की पेस्ट बनाई है वो डाल दूंगी। इसे ज्यादा नहीं भूननी है, इसे डाल के मैं मात्र 2 मिनट तक इसे फ्राई करूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल के 1 से 2 मिनट के करीब मैं फ्राई करूंगी। ज्यादा देर इसे फ्राई नहीं करनी है। ये हरी मिर्ची 2 से 3 डाल दूंगी। ये मसाले मेरे भून रहे हैं। मैं इसमें पानी डाल दूंगी 2 छोटे गिलास। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक रहेगी। मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया। अब मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल दूंगी। मैंने फ्राई करने में भी नमक डाला है। मैंने 2 चम्मच के करीब नमक डाला। इसे अच्छी तरह से उबाल आने दूंगी। इसमें उबाल आने लगे हैं। मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब गर्म मसाला डालूंगी। अच्छी तरह से बॉयल में हो गई ग्रेवी। ये देखिए इसकी थिकनेस मोटी ही रखनी है। अब मैं इसमें पहले मछली को, सारी मछली को डाल दूंगी। ये मैंने सारी मछलियों को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट तक बॉयल कर लूंगी। ये मछलियां मेरी अच्छी तरह से ग्रेवी को सोक कर ली है। अब मैंने जो बैगन फ्राई करके रखा है उससे ज्यादा देर बॉयल नहीं करनी है इसमें डाल के, क्योंकि वो तो सॉफ्ट हो गई है फ्राई करने में ही। तो मैं अब इसमें डाल के और गैस का फ्लेम ऑफ करूंगी। ये मैंने इसमें बैगन डाल दिया है, ग्रेवी को सोक कर लिया और ये अच्छी तरह से कुक भी हो गई है। मैं हरे धनिया की पत्ती डाल दूंगी। इस तरह से ये मेरी रेहू फिश बैगन के साथ बन के तैयार है। और कुछ अलग ही मेथड है, ये काफी अच्छी होती है खाने में। आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो लाइक करिएगा
और इस पे कमेंट जरूर करिएगा इस तरह से बनाइएगा। इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑयल भी यूज होती है और काफी ही स्वादिष्ट होती है खाने में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये मेरी मछली बनके तैयार है। धन्यवाद।